हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज पूजा, योर मैथ्स ट्यूटर. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द सम दैट यू हैव सीन ऑन द थंबनेल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. वी हैव अ स्टेटमेंट. अ सिलिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर. द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. देखो, हमारे पास एक कैसा वेसल है, स्फेरिकल वेसल है, जिसकी नेक कैसी है, सिलेंड्रिकल. तो यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि हमारे पास फिगर कैसी बनेगी. सो सबसे पहले हम वही ड्रॉ करेंगे. देखो, अगर हम इस वेसल की मेजरमेंट्स की बात करें, इस नेक की हाइट कितनी है. देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, तो ये जो लॉन्ग बोला है, ये एक्चुअल में क्या है, इसकी हाइट ही है. या फिर आप बोल सकते हो इस नेक की लेंथ है, कि ये कितनी लंबी है. तो ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, तो इसका डायामीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर. अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा इसका, ऑब्वियस ही बात है, 2 का हाफ. 2 का हाफ क्या होता है, 1 सेंटीमीटर. राइट, देखो 2 का हाफ कैंसिल करके 1 ही आएगा ना, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा. डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. तो स्फेरिकल पार्ट का डायामीटर कितना है, 8.5. जैसे कि एक फुटबॉल जैसा स्फेयर होता है, तो उसका अगर डायामीटर की बात करें तो डायामीटर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर. तो अगर इसका डायामीटर 8.5 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, ऑब्वियसली डायामीटर का हाफ ही होता है, 8.5 बाय 2 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस होगा. देखो, यहाँ पर हमें कटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये प्रॉपरली कट नहीं हो रही है. ठीक है, एक लंबा सा नंबर आ जाएगा, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. बल्कि इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा के 85 बाय 20. राइट, 8.5 बाय 2 को पॉइंट हटा कर हम लिख सकते हैं 85 बाय 20. तो अब ये आगे कैंसिल हो रहा है, जैसे कि 5 4 20 एंड 17 5 85. राइट, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो 17 बाय 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, आधा कैलकुलेशन तो मैं फिगर में ही कर रही हूँ. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. देखो, इसमें जितना पानी भरा है उस पूरे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को मीजर करके एक चाइल्ड बताता है कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है. देखो, अगर उसने बीच में इस वेसल के, ग्लास वेसल के अंदर का पानी मीजर किया होगा तो लीटर्स में मीजर किया होगा. राइट, हम लीटर्स में मीजर करते हैं ना किसी भी लिक्विड को. तो हमें ये भी मालूम है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. तो उसने पहले लीटर में मेज़र किया होगा, तो आफ्टर दैट उसे सेंटीमीटर क्यूब में बताया होगा. राइट, कैसे बताया होगा ये भी आप देख लो. अगर 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 बाय 1000 लीटर. राइट, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 बाय 1000 लीटर के इक्वल है, तो 345 बाय 1000 लीटर इक्वल्स टू होगा 345 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है, इसे हम लिख सकते हैं पॉइंट डाल के, 0.345 लीटर वाटर उसने इसमें से मीज़र किया होगा. उस मेजरमेंट को आफ्टर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर क्यूब उसने हमें बताया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब जो इस वेसल का वॉल्यूम है. अब क्या करना है हमें, चेक वेदर शी इज करेक्ट. हमें चेक करना है कि क्या वो जो चाइल्ड है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या उसने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो एग्जैक्टली सही है या उसमें कुछ एरर है. टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मीजरमेंट्स, ये जितनी भी मीजरमेंट्स है ना, इसे हम ग्लास की इनसाइड मीजरमेंट्स कंसीडर करेंगे. इसका मतलब ये है कि जो इसकी थिकनेस होगी ना, ग्लास की थिकनेस होगी, वो हमें कंसीडर नहीं करनी. ठीक है,
जैसे कि अब इसकी कुछ मोटाई भी होगी ना, ग्लास है, ग्लास है तो उसकी कुछ मोटाई भी होगी ना, थिकनेस होगी, तो अगर हम यहाँ तक उसे लेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा ना, डायामीटर भी इंक्रीज हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स वाई जी जो मीजरमेंट है जी हमें इनसाइड लेनी है, ठीक है, थिकनेस को इग्नोर करना है, वो बीच में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो ठीक है, स्टेटमेंट हमें अच्छे से क्लियर है। अब हम करेंगे इस ग्लास वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, इस ग्लास वेसल का वॉल्यूम कैसे आएगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट, ऐसे टोटल वेसल का वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहां पर लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो यहां पर मोस्टली वो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, पर मैं यहां पर एग्जैक्टली सिलेंडर और स्फीयर लिख रही हूँ, ठीक है, आप उस तरह से भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो अब इनके फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे, यहाँ पर भी आर लिखा है, यहाँ पर भी आर लिखा है, क्या ये रेडियस दोनों के सेम है? क्या सिलेंडर का रेडियस और स्फीयर का रेडियस इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इस सिलेंडर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इस स्फीयर का रेडियस है 17/4 सेंटीमीटर, राइट? तो ऐसे में हम इसे दोनों के रेडियस को आर आर से डिनोट नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको हम आर वन लिख लेंगे और इसको आर टू लिख लेंगे, ओके? अगर रेडियस सेम है, सेम हो तो सेम पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, बट अगर सेम नहीं है तो उन्हें अलग अलग लेटर से डिनोट करना पड़ता है, ओके? तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, इस पाई को टेक कॉमन आउट और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? आर वन स्क्वेयर इंटू एच प्लस 4/3 आर टू क्यू, राइट? अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो पाई की वैल्यू हमें क्या यहाँ पर पुट करनी है? 3.14, जो कि हमें स्टेटमेंट में मेंशन है, 3.14 पाई की वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट, आर वन स्क्वेयर। देखो आर वन क्या है? आर वन क्या है? सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, तो यहाँ पर आएगा 1 स्क्वेयर इंटू एच, एच क्या है? ये हाइट सिलेंडर की, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे प्लस ये 4/3 है इंटू आर टू क्यूब, आर टू क्यूब, आर टू क्या है? देखो आर टू स्फीयर का रेडियस है, तो यहाँ पर इस स्फीयर का रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास? सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है 17/4, क्यूब है तो ये रेडियस 3 times आएगा, राइट? तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 1 सा 8 प्लस, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर में जो भी है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में जो भी है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमिरेटर में अब हम 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा फिर उसको अगेन 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट 17 × 17 कितना होता है? 289, राइट? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 289 आ रहा है तो उस आंसर को हमें क्या करना है? अगेन 17 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर रफली अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो न्यूमिरेटर में हमारे पास आ रहा है 4913 ओवर, डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं, नेक्स्ट करेंगे 3.14 एज इट इज़। देखो ब्रैकेट को अब सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, हाँ डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं पहले। यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर भी हमें नीचे 48 चाहिए, नीचे 48 लिख रहे हैं तो ऊपर भी 48 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब 48 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 384 ओवर 48 प्लस यहाँ पर 4913 ओवर 48। अब एलसीएम लेना ईजी हो गया है, 3.14 एज इट इज़। ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार नीचे लिख लेंगे 48, जो न्यूमिरेटर में है उसे एज इट इज़ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे 0.14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर सेपरेटली, हमारे पास आ रहा है 5297 ओवर 48। अब देखो जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, इसको भी हम पॉइंट हटा के लिख लेंगे 314 एज इट इज़। देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़, पॉइंट की जगह पे 1 आता है। होप आपको पॉइंट हटाना तो आता ही होगा। 5297 ओवर 48। देखो एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जो ब्रैकेट का मतलब होता है, यहाँ पर कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, देखो ये 48 और 314 दोनों 2 पे जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी है, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी है, 2 7 ज़ा 14। आप देखो आगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जो भी न्यूमिरेटर में उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में उसके साथ डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर क्या है, 5297 मल्टीप्लाइड बाय 157। अब देखो न्यूमिरेटर में जो भी है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 831629 डिवाइडेड बाय, देखो 100 को एज इट इज़ रहने देंगे, 24 को एज इट इज़ रहने देंगे। देखो 100 को हम एज इट इज़ क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि 100 को ऑब्जॉर्व करके हम डायरेक्ट 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, बट बात किसकी है, 24 की, राइट। अब हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे बाय 24। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी शुड राइट टेबल ऑफ 24। सो 24 1 ज़ा 24 24 2 ज़ा 48। ठीक है, अब हमने 24 का टेबल लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड। 24 है, यहाँ पर 83 है, तो 83 से लेस क्या है, 72। सो 24 3 ज़ा 72। तो अब जो ऐसे ही आगे चलता जाएगा तो हम यहाँ पर इसे ऐसे ही अप्रोक्सीमेट करके लिख लेंगे, 831629 को 24 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 34651.208 एंड आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे डिवाइडेड बाय, देखो ये 100 को हमने एज इट इज छोड़ दिया था, अब इस 100 को ऑब्जर्व करके हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। 3465, देखो यहाँ पर मैं इसे सिर्फ 2 तक अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रही क्योंकि हमें आंसर तो अप्रोक्सीमेटली ही देना है। तो यहाँ पर 100 को ऑब्जर्व करके हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से 2 डिजिट्स को काउंट करके पॉइंट शिफ्ट होगा, राइट। तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 346 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 346 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। सारी मेजरमेंट्स सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली ये हमारा आंसर आ रहा है। तो आप देखो जो चाइल्ड ने हमें ग्लास वेसल का वॉल्यूम बताया था वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 346.512 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब है शी इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, लिटिल बिट एरर आ रहा है। तो
एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड इन स्फेरिकल ग्लास वेसल वो कितना है 346.512 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली।